हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईएचएस स्टडी पॉइंट बाय एसके। आज हम बात करेंगे क्रेन में सेफ्टी डिवाइसेस क्या होते हैं उसके बारे में। तो सेफ्टी डिवाइस के बारे में जानेंगे और उसके बाद क्रेन में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो आज यहाँ पे दो चीज जानने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं क्रेन में सेफ्टी डिवाइसेस क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला होता है हुक लैच। हुक लैच है जो हुक में लैच लगे हुए होते हैं, जो आपने देखा भी होगा। लैच का काम क्या होता है कि जब भी कोई भी क्रेन ऑपरेशन हो रहा है तो स्लिंग को बाहर आने नहीं देता है, या लोड कहीं पे रेस्ट हो गया है तो वहाँ पे उस कंडीशन में अगर बाय रोप उसमें लगा हुआ है तो निकलने का डर रहता है, तो उसको बाहर निकलने नहीं देता है। तो ये लैच का है जो फंक्शन है, यानी एक सेफ्टी डिवाइस है। दूसरा है बूम लिमिट स्विच। तो बूम लिमिट स्विच का फंक्शन क्या होता है कि जब भी बूम अप ज्यादा होने लगता है तो उस कंडीशन में अलार्मिंग देता है, जिससे ऑपरेटर सतर्क हो जाता है कि बूम ज्यादा अप हो रहा है, तो फिर बूम को डाउन ले लेता है। तो यहाँ पे बूम ये जो हुआ बूम लिमिट स्विच, यानी बूम अप होगा तो यहाँ पे अलार्मिंग आएगा। थर्ड जो है ओवर होस्ट लिमिट स्विच। ओवर होस्ट लिमिट स्विच को हम लोग एंटी टू ब्लॉक भी बोलते हैं लिमिट स्विच, या डेड हेड एंडिंग लिमिट स्विच, यानी इसका तीन नाम है, ओवर होस्ट लिमिट स्विच, एंटी टू ब्लॉक एंड डेड हेडिंग। इसका क्या फंक्शन होता है, ओवरहोस्ट लिमिट स्विच का जब होस्ट काफी अप होने लगता है तो उस कंडीशन में वहां पे है जो कि अलार्मिंग आता है, तो ऑपरेटर समझ जाता है कि होस्ट है जो ज्यादा अप हो रहा है, तो वहां पे फिर ऑपरेटर है जो उसको अप लेने की कोशिश डाउन करता है। यानी कि ए प्रोटेक्शन डिवाइस डिजाइन टू स्टॉप ए होस्ट ब्लॉक एंड लोड फ्रॉम बींग होस्टेड इन टू द बूम टिप। यानी बूम टिप से जैसे ही वो टच करेगा तो यहाँ पे अलार्म आएगा, तो ऑपरेटर समझ जाएगा कि ओवर होस्ट लिमिट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट जो इसका सेफ्टी डिवाइस है वो है बूम एंगल इंडिकेटर। तो इसका फंक्शन क्या होता है, जो एंगल इंडिकेटर देखते हैं बूम के बगल साइड में लगा रहता है केबिन में, उससे पता चलता है कि बूम का एंगल अभी कितना है, कितने एंगल पे बूम काम कर रहा है। नेक्स्ट होता है SLI, सेफ लोड इंडिकेटर, जो कि ऑपरेटर के केबिन में होता है। यह है जो कितना रेडियस पे कितना लोड उठा पाएगा उसका जानकारी वहां पे देता है। तो है जो ये ऑपरेटर के सामने रहता है डायल पे, वो चेक करता रहता है कि अगर कहीं आप जो लिमिट से बाहर तो नहीं हो रहा है, तो जैसे ही लिमिट से बाहर होता है तो ये भी अलार्म देता है और ऑपरेटर को मालूम पड़ जाता है कि SLI से बाहर जा रहा है। तो ये जो अभी आपने देखा पांच, ये पांच जो है क्रेन में लगे हुए सेफ्टी डिवाइसेस हैं जो कि टाइम टू टाइम ऑपरेटर को सतर्क करता है। चलिए आप देखते हैं कि क्रेन में कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक क्रेन है, इसमें देखिए पूरे में यहाँ पे नुमिर का अल्फाबेटिकल फॉर्म में लिखा हुआ है। अब इसके हम जानकारी लेंगे कि कहाँ क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे आउटरिगर। तो आउटरिगर कहाँ पे है, ये आउटरिगर है, आउटरिगर ये भी है, आउटरिगर ये भी है, मुझे एक जानना है। तो इस तरह से आउटरिगर ये भी है। उसके बाद है मेन लोड ब्लॉक। तो मेन लोड ब्लॉक कहाँ पे है, मेन लोड ब्लॉक जो ए होता है इसी को मेन लोड ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद ऑपरेटर केबिन। तो ऑपरेटर केबिन तो आपको पता ही होता है, ऑपरेटर केबिन जिसमें ऑपरेटर बैठता है। उसके बाद बूम बेस सेक्शन। तो बूम बेस सेक्शन इसको बोलते हैं, बूम का बेस सेक्शन यही है, यम है। उसके बाद है हेडेक बॉल सी, जो कि यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, ये वाला जो पार्ट है हेडेक हिप है। उसके बाद देखेंगे इडलर सिव असेंबली। तो इडलर सिव असेंबली कहाँ पे होता है, ये वाला है, ये है। उसके बाद देखेंगे मेन हुक। तो मेन हुक तो आप जानते ही हो, ये है, यहाँ पे मेन हुक है। उसके बाद मेन होस्ट। तो मेन होस्ट कहाँ पे, ये देखना जरूरी है। तो मेन होस्ट पार्ट ए होता है, जहाँ के ड्रम होता है, तो ए डब्ल्यू हो गया। उसके बाद एनटी टू ब्लॉक ए। तो एनटी टू ब्लॉक ए तो बताए थे कि यहाँ पे रहेगा। एनटी टू ब्लॉक मतलब ओवर होस्ट लिविंग स्विच भी बोलते हैं। जब यहाँ पे ए वाला पार्ट है जो यहाँ के टच होगा तो अलार्मिंग करेगा, तो ओवर होस्ट लिविंग स्विच यहाँ पे हो गया, जो कि ए है। नेक्स्ट देखेंगे मशीन काउंटर बेट। तो काउंटर बेट कौन सा होता है, ए वाला होता है, ए काउंटर बेट टी है। उसके बाद देखेंगे बूम एक्सटेंशन या जिप। तो बूम एक्सटेंशन यहाँ से किया जाता है, यहाँ से आगे किया जाता है, तो ए जेड है, जो कि यहाँ पे है।
नेक्स्ट देखेंगे बूम आउटर पिन सेक्शन। तो बूम आउटर पिन सेक्शन कहाँ पे है उसको देखना है। तो यहाँ पे आप देखते हैं बूम की बात कर रहा है तो बूम इधर ही होगा, तो यहाँ पे के देखिए दिख रहा है तो ए वाला पार्ट हुआ। ये है बूम आउटर पिन, यहाँ से बूम आउट होता है, बाहर भी निकलता है इनसाइड भी जाता है। नेक्स्ट देखेंगे बूम एक्सटेंशन या जिप पॉइंट स्लिप जी, तो ए वाला है एक्सटेंशन पार्ट, यहाँ से एक्सटेंड किया जाता है इसको, ये जी देख रहे हैं यहाँ पे है। नेक्स्ट है विप लाइन बी, तो विप लाइन जो होता है वो विप लाइन कहाँ पे है, ए वाला देखिए जो सेकेंड जो एक इसमें निकला हुआ है ये है विप लाइन। उसके बाद मेन लोड लाइन कौन है, तो मेन लोड लाइन जो है वो है यहाँ पे मेन लोड लाइन ए वाला, सारा जो हुक के साथ इतने सारे स्लिंग जो दिख रहे हैं वे मेन लोड लाइन है। उसके बाद लिफ्ट रेडियस, तो लिफ्ट रेडियस क्या होता है यहाँ से देख रहे हैं, ये क्रेन का यहाँ पे जो हुक लटका हुआ वहां से इसका सेंटर पॉइंट से लेकर के यहाँ तक जो कि रोटेशन केबिन का ये बाद में जो रोटेशन पार्ट होता है तो यहाँ तक है जो ये हो गया। उसके बाद है लिफ्ट रेडियस ये हो गया। उसके बाद आउट रिगर पैड्स, तो आउट रिगर पैड्स भी आप देख ही रहे हैं, ये भी आउट रिगर पैड्स है, ये भी आउट रिगर पैड्स है और ये भी आउट रिगर पैड्स है। नेक्स्ट देखेंगे सेंटर ऑफ रोटेशन, तो सेंटर ऑफ रोटेशन कहाँ पे है वो देखना है। तो ए दिखा रहा है क्या है, एन है, तो एन सेंटर ऑफ रोटेशन कहाँ पे है वो देखेंगे। तो सेंटर ऑफ रोटेशन एन कहाँ पे है हमारा, यहाँ पे है ए वाला पार्ट सेंटर ऑफ रोटेशन, यानी देख रहे हैं एन दिखा रहा है ये करके। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे बूम होस सिलेंडर, तो बूम होस सिलेंडर हमारा क्या है, यस है, तो बूम होस सिलेंडर ए वाला पार्ट है जो अप डाउन होता है, जो सिलेंडर को ये बूम को अप करने में या डाउन करने में उसका हेल्प करता है। उसके बाद बूम हिंज पिंज ओ है, तो वो कहाँ पे है ये देखिए यहाँ पे है। उसके बाद लेसिंग, लेसिंग भी देखेंगे कहाँ पे है, तो भी कहाँ पे है देख रहे हैं, ये देखिए ये पार्ट है यहाँ पे ए वाला, इसको लेसिंग भी बोलते हैं। उसके बाद मेन बूम पॉइंट शिप, तो मेन बूम पॉइंट शिप जो है वो बूम का पॉइंट शिप कर रहा है, यानी कि एच, तो एच कहाँ पे वो देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे है यानी ए वाला पार्ट है। उसके बाद आउट रिगर एक्सटेंशन बॉक्स, तो आउट रिगर एक्सटेंशन बॉक्स यहाँ पे देख रहे हैं एक्सटेंशन ए भी हो रहा है और इधर में भी एक्सटेंशन है, दोनों ही है जो आउट रिगर एक्सटेंशन वे। तो अभी दोस्तों अभी आपने जाना कि क्रेन में सेफ्टी डिवाइसेस क्या क्या होते हैं और कंपोनेंट्स है जो टायर माउंटेड क्रेन में या कैरियर माउंटेड क्रेन में क्या क्या होता है उसके बारे में इस पिक्चर के माध्यम से आपने देखा। अगर ये नहीं समझ में आता है तो एक बार फिर से पहुंच करके आप देख सकते हैं। तो चलिए मैं आपसे यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा, जो हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में जरूर शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि हमारा सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।